नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर बात कर रहे हैं आपके भाग्य उदय की। भाग्य का अर्थ क्या है? समय पर कोई कार्य करना, वो भाग्य की निशानी है। भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? जिसको हर कार्य में सफलता मिले, वह भाग्यशाली की निशानी है। आज बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल होगा, तो वृश्चिक लग्न में भाग्य का अधिपति ग्रह चंद्रमा होगा। चंद्रमा और मंगल आपस में मित्र है। सबसे ज्यादा कोई ग्रह चलायमान है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से कोई चलता है ग्रह, तो वह चंद्रमा। और सबसे धीरे कोई ग्रह की परिभाषा देखनी है, सब कंपैरिजन करना है, तो सबसे धीरे चलने वाला ग्रह शनि। जिसको चंद्रमा कहा जाता है वो दिल और दिमाग दो चीज को कंट्रोल करता है, और शनि आपके कर्म को नियंत्रित करता है। जब भाग्य चंद्रमा होगा तब उसकी उम्र होती है 24 वर्ष। अतः 24 वर्ष के पश्चात वह व्यक्ति यकायक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और चंद्रमा के अंदर स्पीड बहुत है। जब चंद्रमा बलवान होगा तो एक विशेष बात है कि व्यक्ति की सालियां या कोई स्त्री है, लड़की है, तो उसके देवर ज्यादा होंगे, क्योंकि सप्तम स्थान जो आपके जीवन साथी का है और उससे तीसरा भाव उनके छोटे भाई बहनों का है। तो चंद्रमा बलवान होते ही, भाग्य से बलवान होते ही या तो ज्यादा सालियां हो जाएंगी, साले हो जाएंगे, और या फिर देवर देवरानी हो जाएगी। चलिए और परिस्थितियों को देखते हैं। जब कुंडली में चंद्रमा भाग्य का अधिपति है, वो लग्न में स्थित हो जाए तो मंगल से संबंध जोड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का कुंडली में जीवन का और सिक्स हाउस का मतलब है कर्ज, सिक्स हाउस का मतलब है कंपटीशन, सिक्स हाउस का मतलब मामा भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है आपकी माता का और उसे तीसरा भाव उनके छोटे भाई बहनों का, अर्थात जो आपकी मौसी है या मामा है उनका भी यही सिक्स हाउस है। तो उनसे भी सहयोग की आशाएं आप रख सकते हैं जब कुंडली में चंद्रमा लग्न में स्थित हो जाए। पंचम भाव का अधिपति यहाँ पर बृहस्पति है, सेकंड भाव का अधिपति भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति की योग कारक स्थिति जब चंद्रमा से हो जाएगी तो गजकेसरी योग होगा। चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध हो जाए, युति हो जाए, तो लक्ष्मी योग हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति का योग हो जाएगा तब भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हर लग्न में किसी न किसी विशेष ग्रहों के माध्यम से योग का निर्माण होता है। जैसे कि वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न में बुध और बृहस्पति दोनों ही पंचम भाव में स्थित होंगे, तब ऐसी स्थिति में जातक बहुत ही धनवान होगा, आज की भाषा में करोड़पति होगा। एक और स्थिति हो सकती है जब कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा और केतु तीनों ही भाग्य भाव में हो, तीनों ही नवम भाव में हो, तब यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान और मान सम्मान, उसके साथ पद प्रतिष्ठा और सरकारी सहायता अर्थात अवार्ड रिवार्ड भी प्राप्त हो सकता है, वो स्थिति हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बृहस्पति और चंद्रमा जब एक साथ में भाग्य स्थान में हो जाएंगे, इकट्ठे युति हो जाएगी, तब गजकेसरी योग का निर्माण होगा। और वहां पर चंद्रमा जो कि खुद भाग्य का अधिपति है स्वराशि में हो जाएगा, बृहस्पति दूसरे त्रिकोण का स्वामी होकर के एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में होने से राजयोग की षष्ठी होगी, और केतु और चंद्रमा दोनों साथ साथ में होने से यहाँ पे ग्रहण योग तो होगा, लेकिन वो केतु के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा बलवान है, वह है केतु की लालसा पूर्ति कभी नहीं होती। अर्थात केतु यकायक देता है, अनएक्सपेक्टेड देता है। केतु के पास में सोचने विचारने के लिए ये ऊपर का फोर हेड नहीं है। राहु के पास में सिर्फ सोचने की ताकत है, उसके बाद धड़ नहीं है, और केतु के पास में सिर्फ धड़ है जो कि सब चल सकता है। इसलिए केतु अनएक्सपेक्टेड बातें ज्यादा करता है। जब गजकेसरी योग है तो केतु उसमें और सहायता करेगा। उदाहरण के रूप में आज एक महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध राजनेता की कुंडली पर डिस्कस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, जिनका नाम है श्रीमान शरद पवार साहब। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है, सूर्य और बुध दोनों ही लग्न में है। राहु कुंडली में लाभ भवन में है, मंगल और शुक्र कुंडली में 12वें घर में 12th हाउस में है। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक साथ में है 6th हाउस में। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सूर्य और बुध दोनों जब एक साथ में होते हैं तो बुधादित्य योग हो जाता है। लग्न में सूर्य व्यक्ति को पराक्रमी, व्यक्ति को प्रबंधन में कुशल, व्यक्ति को दूसरों को कंट्रोल करने वाला पराक्रमी व्यक्ति जिसको बोला जाता है, लग्न में सूर्य वही होता है। सूर्य का अर्थ है ग्रहों का राजा, और जब फर्स्ट हाउस लग्न में सूर्य हो जाएगा तो व्यक्ति का वर्चस्व एक आम आदमी से कई गुना बढ़ जाता है। छोटी उम्र में ही ऐसे आदमी की प्रतिभा देखने को मिल जाती है। यदि किसी कुंडली में सूर्य है तो आप उसे छोटी उम्र में ही, कम उम्र में ही बहुत प्रतिभाशाली होता हुआ देख सकते हैं। ठीक द्वादश भाव में शुक्र होना अपने आप में योग कारक निशानी है।
द्वादश भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग देता है। जब ज्योतिष का निर्माण हुआ था, ज्योतिष के ये सब परिभाषाएं लिखी गई थी, योग लिखे गए थे, उस समय लाख शब्द बहुत बड़ा होता था, तो लक्षाधिपति लाखों का अधिपति बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा योग बोल सकते हैं। इस कुंडली में भाग्य की बात करें, भाग्य का अधिपति चन्द्रमा, और चन्द्रमा बृहस्पति के साथ में है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण अधिपति के साथ में सिक्स्थ हाउस में है, मंगल के घर में है, और वहां पर कि मंगल स्वयं देखता है अपने खुद के घर को भी, मूल त्रिकोण राशि को भी। तो मंगल और चन्द्रमा की युति या दृष्टि संबंध होने से लक्ष्मी योग, शनि कुंडली में नीच राशि का है, और अब आप देखिए कि कोई ग्रह जो कुंडली में नेगेटिव है वह स्वयं नेगेटिव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग की सृष्टि होती है, जो कि यहां पर है। शनि कुंडली में तृतीय भाव का मालिक है, तो तीसरे भाव को मार्केश देने वाला ग्रह बोलते हैं, और मार्केश देने वाला ग्रह स्वयं नीच राशि का है, ऐसी स्थिति विपरीत राजयोग वाली स्थिति आ जाती है। राहु की बात करें, इलेवंथ हाउस में राहु बहुत कारक माना जाता है, बहुत युक्ति संगत, न्यू आइडियाज जिसको बोलते हैं, वो वाली चीज यहाँ पर होती है। मंगल और शुक्र दोनों की युति कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में द्वादश भाव में अपने आप में योग कारक है, तो यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति कुंडली में सिक्स्थ हाउस में बैठ करके बृहस्पति वापस कर्म को देखेगा, द्वादश भाव को देखेगा, और अपने खुद के घर धन स्थान को देखेगा, तो ऐसी स्थिति में भाग्य को बलवान कुंडली आप आराम से बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, सरलता से बोल सकते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष के एबीसीडी जानता है वो ये भली भांति परिभाषित करेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कुंडली में तृतीय भाव का अधिपति शनि कुंडली में रोग भाव में जाकर के नीच राशि में बैठ गया है, तो रोग कारक स्थिति उत्पन्न होती है, और इतने बड़े व्यक्ति की ज्योतिष विश्लेषण किसी ने ना किया हुआ और किसी ने उपाय नहीं किया हो, ये बात मानने में नहीं आती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ शनि की ओर ध्यान देना चाहिए, शनि के उपाय करने चाहिए, और विशेष रूप से जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है उन्हें शिव उपासना, उन्हें मोती धारण, या जिंदगी में मूंगा मोती और पुखराज ये तीनों रत्न यदि धारण कर सके या इनके उपरत्न धारण कर सकते हैं, तो जिंदगी में यश मान पद प्रतिष्ठा धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं यह सब वो प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर हम लेंगे अगले लग्न के बारे में अर्थात धनु लग्न के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मनन करते रहिए। नमस्कार। कमल श्रीमाली जी हर महीने मुंबई, पुणे, दिल्ली में भी उपलब्ध होते हैं। यदि आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के आसपास रहते हैं और कमल श्रीमाली जी से पर्सनली मिलकर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर डायल करके पहले से ही उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ही फोन पर कमल श्रीमाली जी से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इन फोन नंबर्स पर डायल करके घर बैठे ही फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। कमल श्रीमाली जी को आप अपने शहर में वास्तु विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। अब भारत के किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी देश में क्यों ना रहते हों, यदि आप अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉप, शोरूम के लिए वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या फिर नक्शा दिखाना चाहते हैं, तो इन फोन नंबर्स पर फोन करें और अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान लें।